हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। आज हमारी जो जर्नी है वो पहुंच चुकी है डे 7 पर, और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। लास्ट वीडियो में पढ़ा था फोर्स के बारे में, आज पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। ये दोनों क्वांटिटीज, फोर्स और एनर्जी, ये दोनों क्वांटिटीज सेंटर पिलर हैं फिजिक्स के। अगर आप इन दोनों के कंसेप्ट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो तो शायद फिर फिजिक्स के अंदर आपको कभी भी कठिनाई नहीं महसूस होगी, क्योंकि 11th और 12th की फिजिक्स जो आप पढ़ते हो उसमें सारा का सारा खेल जो है वो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के अराउंड खेला जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। मैंने जो स्लेट है अपनी वो बिल्कुल ब्लैंक रखी है, क्योंकि आज जो है कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए और थ्रू आउट फिजिक्स आपके काम आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अपन सीखेंगे वर्क के बारे में। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के द्वारा डिफाइन करी जाती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के द्वारा डिफाइन करी जा रही है तो ऑब्वियसली एक ऐसी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो तीनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं। वर्क जो है पॉजिटिव होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, वर्क नेगेटिव होगा अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और वर्क जीरो भी हो सकता है अगर थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो तीनों ही तरीके के वर्क आपको मिल सकते हैं। आगे समझ में, जैसे सपोज करो ये कोई टेबल है और इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, और भी फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये रफ सरफेस है और आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर करवा रहे हो तो एक फोर्स F, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, वर्क का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ये क्वेश्चन पूछना कि यार वर्क किसके द्वारा पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे चार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा। अब नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90, तो आप डायरेक्ट बता दोगे जीरो होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो ये भी हमेशा कितना हो जाएगा जीरो। वर्क डन बाय कैपिटल एफ फोर्स कितना होगा, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो कि आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। और अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो वर्क आ जाएगा आपका नेगेटिव एफ एक्स। तो चारों तरीके के, तीनों तरीके के वर्क आपको दिखाई देगा, राइट। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैप्टर की शुरुआत हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साथ करी है, राइट। ये लो, फिर इस फॉर्मूले के ऊपर भी जब आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको दो केस बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, हर पोजीशन के ऊपर वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की ग्राफिकल मीनिंग मैंने आपको बताई थी एरिया अंडर दी कर्व। मैंने ग्राफ का एक अलग से वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले जो कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया जा सकता है आपको, और फिर पूछा जा सकता है कि बताओ वर्क कितना होगा। तो आप समझ जाना एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्क के चारों तरफ की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस छोटे से सेक्शन के अंदर सिमटी हुई नजर आने लगी होगी, राइट। वर्क के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन हो
वो पक्का इससे बाहर नहीं जाने वाला। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके बाद में हम जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी के बारे में। ठीक है, चलो। अब एनर्जी जो होती है वो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि बताओ होती ही क्या है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तब ही लगा पाते हो ना जब आपके पास में एनर्जी होती है, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। ये डेफिनेशन सबने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ी हुई है, एबिलिटी टू डू वर्क। अब बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जीज हो सकती है, बहुत अलग अलग तरीके की। तो हम प्राइमरीली दो एनर्जीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक तो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। इसके लिए पार्टिकल का किसी वेलोसिटी वी से मूव करना जरूरी होता है, यानी कि उसके पास मोमेंटम होना चाहिए। तो मोमेंटम की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, या फिर हाफ पी मल्टीप्लाई बाय वी। ये अलग अलग तरीके हैं काइनेटिक एनर्जी को लिखने के। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ नजर आए तो समझ जाना उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट फिनोमिना है। इसका मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, राइट। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, एक तो हर फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करी जाती। आपके फोर्स भी दो हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तरीके के फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत ये होती है कि इनके द्वारा किया गया वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या यूं कह लो कि दो पॉइंट्स के बीच में आप किसी भी पाथ को फॉलो करवा लो पार्टिकल को, इन फोर्सेस के द्वारा वर्क किया गया जो वर्क होगा वो चेंज नहीं होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है इनके द्वारा किया गया वर्क। या यूं कह लो कि अगर आप एक क्लोज लूप के अंदर इनके द्वारा किया गया वर्क निकालते हो तो हमेशा कितना निकल के आता है, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है। तो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो ऑब्वियसली इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में होगी। एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंशियल क्वांटिटी है, यानी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हो, और उसके रेस्पेक्ट में अदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे पेन अगर ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पर है तो आप कह सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इसके रेस्पेक्ट में आप ऊपर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, जो कि अलग अलग आपको मिलेगी। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूटली नहीं डिफाइन किया जाता, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है, और वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नॉर्मली आपको कंजर्वेटिव फोर्स तब दिखाई देता है जब आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हो। जैसे पेन सपोज करो मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको उठा के ले जाता हूँ और यहां पर लौट लेता हूँ, मैंने देखा कि यार इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो मैंने चेंज किया ही नहीं। तो व्हेन यू आर नॉट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट, एक कॉन्फिग्रेशन था तब ये मेरे हाथ पे रखा हुआ था, एक कॉन्फिग्रेशन है जब ये मेरे हाथ से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। सो इन दीज टू कॉन्फिग्रेशन यू आर नॉट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी स्टेशनरी था, यहाँ पे भी स्टेशनरी है, यू आर ओनली चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ऑब्वियसली जब आप काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे तो ये ही पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और अगर फोर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये आपका हो गया कंजर्वेटिव फोर्स और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली इनफाइनाइट यानी कि वह पोजीशन जहां पर आपका फोर्स जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है, और ये किसी भी पोजीशन आर, तो आप एब्सोल्युटली आर पोजीशन के ऊपर व्हेन यू हैव टेकन पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये अलग अलग चीजें हैं, इनको अपन डिटेल में पढ़ते रहेंगे। यहां पे दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने किसी ब्लॉक को रखा हुआ है, राइट, यहां पर आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लिया जीरो। अगर आप इसको एच हाइट ऊपर ले जाते हो तो
तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है एम जी एच, और एच हाइट नीचे लेके जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस एम जी एच, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ खेलना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल तब एप्लीकेबल है जब आप ये जो हाइट कंसिडर कर रहे हो ये अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, राइट। अपन ग्रेविटेशन में और डिटेल में बात करेंगे। और एक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका स्प्रिंग है और इससे बंधा हुआ है एक ब्लॉक। नॉर्मली जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है जीरो। अब आप इसको सपोज करो स्ट्रेच कर दोगे, कितना स्ट्रेच कर दिया आपने, एक्स स्ट्रेच कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। और अगर आप इसको सपोज करो कंप्रेस कर दोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो किसी भी स्प्रिंग को अगर आप एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और वो किसके इक्वल होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। तो दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि क्वेश्चंस करने में आपके काम आएगी। अदर जो पोटेंशियल एनर्जीज है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हुए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, वो अपन कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी आपको इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। इन दोनों का सम क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, राइट। तो आई होप आपको एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है और फोर्स की वजह से फिर वर्क होता है, तो एनर्जी और वर्क के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, और इसी रिलेशन को डिफाइन करती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान चीज है। यह आपको कहना चाहती है कि आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स या फिर नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक और थ्योरम पढ़ते हो जिसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान देना, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक छोटा बच्चा है, एक स्पेसिफिक केस है। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर केस के अंदर अप्लाई की जा सकती है, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी केवल और केवल तब अप्लाई की जाती है जब सिस्टम के अंदर वर्क करने वाले सारे के सारे फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में छुपी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करी जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑनली एप्लीकेबल व्हेन ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, एंड इट सेज दैट द नेट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे कि सर नॉर्मली हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें तो कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं और फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं, तो ऐसे केस में हम किस तरीके से इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो आप डायरेक्ट इसके लिए ध्यान रख सकते हो, इसको अपन कह सकते हैं ऐसे एक स्पेशल पॉइंट बना लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला जो है अपन डिराइव कर लेते हैं। तो उस केस में जो नेट वर्क डन होगा उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा, अभी अभी आपने देखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, नेगेटिव को उधर ले जाएंगे
नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको उधर ले जाएंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, यानी कि डेल्टा एम ई मैकेनिकल एनर्जी के अंदर होने वाला चेंज। डेल्टा एम ई का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो ये फॉर्मूला आपके आ जाएगा काम कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इस केस में जब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होती है। यानी कि जब सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी फाइनल और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी प्रेजेंट हो तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के इक्वल होगी। डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप इन तीनों चीजों को, और बिलीव मी वर्क एनर्जी और पावर इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा संभावना अगर क्वेश्चन पूछे जाने की है तो वो इस सेक्शन पे से पूछे जाने की है। आई होप आपको ये सेक्शन जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस एक पेज के ऊपर हालांकि थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम सा बन चुका है बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप दिस इज द वे यू वुड लाइक टू हैव नोट्स प्रिपेयर्ड। तो सारी की सारी चीजें एक फोटोग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे जाएगी, राइट? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी आप इसको रिवाइज करना चाहो। खैर अब अपन चलते हैं हमारे आगे के कंसेप्ट्स के ऊपर। हमने काफी कुछ तो यहाँ पे वर्क एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब आगे किन्हीं पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे जो है हमारे एक और क्वांटिटी है हमारे काम आ सकती है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर जो है ये बेसिकली वर्क को करने की रेट है। यानी कि अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल होगी। और अगर आप एवरेज पावर की बात करते हो तो वो हमेशा नेट वर्क डिवाइडेड बाय नेट टाइम के इक्वल होगी। ठीक है, पावर की जो एसआई यूनिट है वो वॉट है, और वर्क की जो एसआई यूनिट है और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है। तो मुझे ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको केवल और केवल बोल के बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सबको पता होंगे, राइट? तो ये कई बार हमें जो ये वर्क है, ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो नेट वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो कई बार अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम इन्वॉल्व, जितना भी टाइम लगा होगा, ठीक है ना, डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है इसको। तो कई बार काइनेटिक एनर्जी और पावर के बीच का रिलेशन पूछ के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? एक और चीज, अगर आप पावर को डायरेक्ट फोर्स के थ्रू निकालना चाहोगे तो पावर हमेशा फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी। जैसे वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता था, पावर हमेशा किसके इक्वल होगी, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, पावर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली बहुत आसान होते हैं, तो आपको पावर से घबराने की जरूरत नहीं है। तो वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ ली, और पावर के बारे में हमने जो भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं वो ध्यान में रख ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग तो हमें तभी पता चलेगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करी जा रही है कि वाकई बहुत कम चीजें पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यही कुछ होते हुए देखोगे आज इस वीडियो के अंदर भी आप। ठीक है, चलो तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m बाय अ डिस्टेंस d विथ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g बाय 4। तो वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज, ध्यान दो, ऐसी आपकी एक रस्सी से बंधा हुआ ब्लॉक है, ठीक है, और
इसको यूज किया जा रहा है इस एम मास के ब्लॉक को डी डिस्टेंस तक नीचे ले जाने में। यहां से आप धीरे 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 इसको डी डिस्टेंस नीचे ले जाते हो, ठीक है ना, यहां पे लेके आ जाते हो। अच्छा ध्यान दो, इसको फ्री फॉल नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि फ्री फॉल करवाया जाता तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन जनरेट होता वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता, जबकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से नीचे ले जाया जा रहा है, जी बाय फोर एक्सेलरेशन से नीचे ले जाया जा रहा है, यानी कि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी डिवाइडेड बाय फोर है। अब ये तो तभी होगा ना जब इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, दैट इज एम जी, और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, दैट इज टेंशन। और हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन एम ए इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स एम जी है, और एक्सेलरेशन को अपोज करने वाला फोर्स टेंशन है। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, तो एम जी माइनस एम जी डिवाइडेड बाय फोर, तो थ्री एम जी डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइनली, क्योंकि हमें वर्क डन बाय गॉड निकालना था, मैंने हमेशा आपको बोला है कि वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है वो पूछो, ठीक है। तो वर्क डन बाय कॉर्ड आपको निकालना था, तो कॉर्ड यानी कि रस्सी इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, 3mg डिवाइडेड बाय 4, इतना फोर्स लगा रही है। अब ध्यान दो, इसके द्वारा किया गया वर्क निकालना है अपनों को, तो देखो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इसका मतलब हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट फोर्स को यानी कि 3mg डिवाइडेड बाय फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और इसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, यानी कि आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, अपने फ्रिक्शन वाला एग्जांपल देखा था, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए नेगेटिव 3/4 एम मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इस एक क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें छुपी हुई है जिनके ऊपर आपको बारीकी से ध्यान देना है, और फिर आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपके कंसेप्ट भी इंक्रीज होंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमें दे दिया गया है ग्राफ, और हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस ग्राफ जो होगा वही किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से ए से बी तक लेके जा रहे हो, मतलब 1 से लेके 5 तक की पोजीशन तक लेके जा रहे हो, तो एरिया आपको निकालते जाना है, तो अपन यहीं पे निकालते चलते हैं। सबसे पहले इस रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ है 1, 2 से लेके 1 तक की जो लेंथ है 1 हो जाएगी, हाइट है 10, तो इसका एरिया तो हो जाएगा 10। इसको भी अपन इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका एरिया अगेन, इसका जो बेस है वो है 1 और हाइट है 10, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस दैट इज 1, और हाइट कितनी है इसकी 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 हो जाएगा इसके। इस ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस हो गया 1 और हाइट हो गई आपकी 15 यानी कि 7.5, इतना वर्क इसका हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसका वर्क हो जाएगा हाफ, बेस है 1 और हाइट है आपकी कितनी, आई होप ये नेगेटिव 15 तक जारी होगी, तो देखते हैं ऑप्शन से मैच करवा लेंगे, माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस 7.5। तो नेट वर्क डन किससे किसके इक्वल होगा, इस टोटल एरिया को ऐड कर लेंगे, तो देखो ऐड करेंगे तो 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 22.5, और ये पॉजिटिव 7.5 और नेगेटिव 7.5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 22.5 आना चाहिए। तो याद आ गया आप लोगों को कंसेप्ट कि एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के ऊपर हमने क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इज। तो पहचानो फोर्स जो है हर पोजीशन के ऊपर चेंज हो रहा है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि सर ने बताया था कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन की मदद से निकाला जाता है। तो आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ
dx सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 2 मीटर तक जा रहा है। चलो f की वैल्यू है x प्लस एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेशन तो आई होप सब कर ही लोगे, जो नहीं कर सकते हो फटाफट से देखो। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और अभी लिमिट रखना बाकी है 0 से लेके 2। पहले 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। फिर 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे 0, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका, 6 जूल आ जाएगा। प्लीज वेरीफाई द कैलकुलेशन अगेन, हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने एक एक कर भी कंसेप्ट जो है वो खुलते चले जा रहे हैं, काम आते चले जा रहे हैं, राइट। अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1/10 ग्राम फॉल्स वर्टिकली एट कॉन्स्टेंट स्पीड राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड विस्कस ड्रैग इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है 100 मीटर, और वर्क हो जाएगा आपका पॉजिटिव। m की वैल्यू है 1/10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी की वैल्यू अपन ले लेते हैं 9.8, ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100, पॉइंट हटेगा तो 8/10 यहां पर आ जाएगा, 9.18 नहीं है, मैंने पॉइंट काटा है, राइट। इसको अपन ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/10, 1/1000, 98/10 इनटू 100। अब देखो डबल जीरो से एक जीरो ये और एक जीरो ये कैंसिल आउट कर देना, तो ये बचेगा 98/1000, और इसको आप लिख सकते हो 0.098, ठीक है, तो 98/1000 जो होगा उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया कि आपको फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, आपने सीधा सीधा वर्क निकाल लिया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता अगर मैं बनाना चाहूं, मैं पूछता बताओ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स कितना होगा। अब आप ध्यान दो, आपको कहा गया है कि ये किस तरीके से गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। हमने फोर्सेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है या फिर ब्लॉक रेस्ट है, रेस्ट पर है, तो आपका नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस्ड हो जाना चाहिए, यानी कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना का उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। तो जो विस्कस फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वली होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली उसके द्वारा किया गया वर्क एग्जैक्टली इतना ही होगा बट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर पूछा जाता तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। या फिर आप इसको यूं देख सकते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। नेट वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आपसे विस्कस फोर्स का वर्क पूछा जाता तो आप विस्कस फोर्स को ढूंढने निकलते हैं, और विस्कस फोर्स को ढूंढना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह तो होता नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इज। तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये टेबल है, ये ब्लॉक है,
आपकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है n, और ये धीरे 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 स्लाइड करता है और यहां पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब देखो इस दौरान नॉर्मल फोर्स ने तो कोई वर्क किया नहीं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, mg ने कोई वर्क किया नहीं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो आपका जो नेट वर्क डन होगा वो किसके द्वारा वर्क किया गया वर्क हो जाएगा, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो किया गया वर्क है वो नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपन मान लेते हैं एक्स, तो नेगेटिव एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये तो किसके इक्वल हो गया, नेट वर्क डन के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी को अपन कह सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यही तो हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, राइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर दैट इज 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -25 जूल के इक्वल आ जाएगा, -25 जूल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो खैर नेगेटिव आंसर इन्होंने कंसिडर किया नहीं होगा क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पर लाने का काम कर रहे हैं, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 25 जूल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे, कि आपको मास दे दिया गया है, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पता है, तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एमजी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही, फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, तो जो फ्रिक्शन होगा वो होता है म्यू इंटू एन, यानी कि एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी। आपको एम पता है, जी पता है, एक्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है म्यू दे के, या फिर म्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है एक्स दे के, डिस्टेंस दे देंगे आपको कि भाई इतनी डिस्टेंस के बाद में स्टॉप हो जाता है तो बताओ इसका फ्रिक्शनल कोफिशियंट कितना होगा, या फिर म्यू दे के आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितने डिस्टेंस पर स्टॉप होगा, तब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन पर अपन 3-4 क्वेश्चन बना के सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए चीजों के ऊपर, राइट। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ ट्रंक ऑफ ट्री लूजेस 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर स्टॉपिंग इट ट्रेवल्स अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ दिस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कैसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ये आपकी बुलेट है राइट, और ये 100 सॉरी ये किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इस ब्लॉक के अंदर एंटर करती है। अब आप देखते हो कि जब ये 5 सेंटीमीटर चल चुकी होती है, यहां से लेके यहां तक कितना चल चुकी है, ये 5 सेंटीमीटर चल चुकी है, ये 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुकी है, यानी कि यहां पर आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी 3K/4, और अल्टीमेटली हम यहां से यहां तक टोटल मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस तक चलती है, तो यहां पर आकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव एफ, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, बुलेट इधर जा रही है, फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10^-2। ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3K/4 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि नेगेटिव K/4 के इक्वल हो जाना चाहिए। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी के डिवाइडेड बाय 4 × 5 × 1/100। लिख सकते हैं ना ऐसे, 5 से चला गया 20 टाइम्स और 4 से चला गया 5 टाइम्स, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5K। चिंता मत करो, ये जो के आपने अज्यूम किया है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा अगली इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। अब इन दोनों के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, हम बोलेंगे वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, अब की बार फोर्स है हमारे पास में 5K, डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है बट उसको हमने एक्स मान लिया, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि नेगेटिव के इक्वल हो जाना चाहिए। नेगेटिव से नेगेटिव साइन चला गया और के से के कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से
100 कैंसिल आउट होके ये आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि यार यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर चलता है, तो जो फर्दर डिस्टेंस चलेगा, ये तो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फर्दर जो डिस्टेंस चलेगा वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 15 सेंटीमीटर के इक्वल हो जानी चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दो पार्ट्स के अंदर आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 9.8 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम्स स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा केस है आपका, ये एक वुडन ब्लॉक है और एक बुलेट जो है वो इससे आके टकरा रही है। टकराने के बाद में दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर साथ साथ दोनों इस तरीके से ऊपर जाते हैं, और मान लो जाते जाते ये कहाँ तक आ जाते हैं, एच हाइट तक आ जाते हैं। अगेन इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगा उस दौरान इसके अंदर केवल और केवल इंटरनल फोर्सेज लगेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। यानी कि आपका नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। तो चलो फटाफट से करते हैं। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, इस बुलेट का मास है कितना, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक का जो मोमेंटम है वो तो जीरो है, उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, फाइनली ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसका मास तो है 9.8 किलोग्राम और इसका मास है 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। और मान लेते हैं कि दोनों कितनी वेलोसिटी से चलने लगते हैं, वी वेलोसिटी से चलने लगते हैं। देखो ये तीन जीरो से दो और एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर तो बच जाएगा 20। इधर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 0.2, और 9.8 और 0.2 को ऐड करोगे तो 10 टाइम्स v रह जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट तो ये हो गया कि टकराने के बाद में दोनों ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब देखो अगला जो हिस्सा है उसमें हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो यहां पर नीचे जब ये दोनों थे तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी, हाफ मास हो जाएगा दोनों का मिला के 10, वेलोसिटी ताजा ताजा निकालिए 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और पोटेंशियल एनर्जी आप कहीं भी जीरो ले सकते हो, तो यहां पे आप जीरो ले लो। तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल के आ जाएगी, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 20 जूल निकल के आ जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहां पे देखोगे तो स्टॉप हो चुका है सिस्टम आपका, काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी, टोटल मास है कितना 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 और एच अपनों को निकालना है, यानी कि 100 एच। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि 20 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 100 एच के इक्वल हो जाना चाहिए। तो एच की वैल्यू आ जानी चाहिए 20 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो, यानी कि 0.2 आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतनी डिस्टेंस तक ये आपको दोनों साथ साथ जाते हुए दिखाई देंगे, राइट। अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल। अ बॉल ऑफ मास एम एट अ हाइट एच अबव द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस डी। द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक स्प्रिंग दे रखी है, वर्टिकली माउंटेड है, और इसके ऊपर एच हाइट से एक ब्लॉक, एक बॉल जो है वो गिराई जा रही है जिसका मास एम है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर ये कंप्रेस हो जाती है, कितनी डिस्टेंस के लिए, डी डिस्टेंस के लिए कंप्रेस हो जाती है इस तरीके से। तो इस प्रोसेस में जो नेट वर्क है वो कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो ध्यान दो कि जब ये इनिशियली ड्रॉप करी जा रही थी तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और जब ये फाइनली इसको कंप्रेस करके यहाँ इस पर्टिकुलर मोमेंट पर देखोगे यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। नेट वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर ऑप्शन जीरो दिया हुआ होता तो आपको ऑप्शन जीरो के ऊपर टिक करना था पहली चीज तो, बट वो तो है नहीं, आपसे किसी अदर तरीके से आंसर मांगा गया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको तो नेट वर्क डन निकालना है, आपको पता है यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लो, एक वर्क डन बाय
स्प्रिंग फोर्स निकाल लो और आपका काम आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा एम जी और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एच प्लस डी। तो ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, नेट वर्क डन हो जाना चाहिए। अभी तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो हम इसका ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर टू। बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब होता है जब ऑप्शन जीरो दिया हुआ रहता, या फिर कई बार क्या होता है कि आपको एम जी एच और ये सारी की सारी चीजें दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप नेट वर्क डन को जीरो के इक्वल रख देना, डी के अलावा सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है, आप आसानी से डी के लिए सॉल्व कर सकते हो। या कई बार डी दे के एच पूछ लिया जाता है तो उस केस में ये क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें पता है कि पावर जो होती है वो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन कर रहा है तो डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन टाइम्स वेलोसिटी। और अगर आपकी मोशन कांस्टेंट है और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो सिंपली एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल होती है। तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो आपका पावर जो है वो फाइनली हो जाएगा एम ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, अब अगर मास और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया जाए जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जानी चाहिए किसके, टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जानी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू। अब क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेट हो रही है, ना जाने कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, बट आपकी पावर जो है वो आपकी बार क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें पता है पावर जो होती है वो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, पावर कांस्टेंट है ध्यान रखना, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डीवी डिवाइडेड बाय डीटी टाइम्स वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय m टाइम्स dt इज इक्वल्स टू v dv। पावर कांस्टेंट है, p नॉट दे रखी है, हर जगह p नॉट कर लो, मास कांस्टेंट है, दोनों तरफ डिफरेंशियल फॉर्म में तो अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये जीरो से लेके t तक और ये जीरो से लेके v तक, रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले ली। तो आ जाएगा p नॉट अपॉन m, dt का इंटीग्रेशन करोगे t, लिमिट्स रखोगे तो सिंपली आ जाएगा t, और यहां पे करोगे तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो v की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है अंडर रूट 2 p नॉट t डिवाइडेड बाय m, यानी कि वेलोसिटी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है टाइम की पावर हाफ। अंडर रूट t को आप क्या लिख सकते हो, पावर हाफ भी लिख सकते हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 भी हल्का हल्का करेक्ट सा लग रहा है, बट वहां पे टी जो है वो रूट के अंदर नहीं दिया हुआ, इसलिए अपन उसको नेगलेक्ट कर देंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था जब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता, जैसे वेलोसिटी का टाइम के ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई है, वैसे आपसे पूछा जाता कि बताओ डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो उस केस में आप क्या करते। तो उस केस में आप यहां तक तो पहुंच चुके हो कि वी जो हो जाएगा वो अंडर रूट 2 पी नॉट टी डिवाइडेड बाय एम के इक्वल हो जाएगा, और वी को आप किसके इक्वल रख दोगे, dx डिवाइडेड बाय dt के इक्वल रख दोगे। तो dx केवल और केवल किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट टी dt, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, जीरो से लेके x तक, जीरो से लेके t तक। तो इधर तो इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट चीज है, इसको तो रहने दो, यहाँ पे 2p नॉट अपॉन m, और अंडर रूट टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि पावर हो जानी चाहिए प्लस वन, तो हाफ है तो हाफ प्लस वन करोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2,
और इंक्रीज पावर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 आ जाएगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है आपको, टी की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है आपको, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वेलोसिटी तो टाइम की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टाइम की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, एंड देन द मैक्सिमम स्पीड इज। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तीन चार चीजों को कनेक्ट करना है हमें। सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब है जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं इसका मतलब नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कंजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो क्योंकि दोनों का सम कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, राइट। यानी कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर आपकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जानी चाहिए, और वही आपसे पूछी जा रही है। तो अल्टीमेटली जब आप इन सारी चीजों को कनेक्ट करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमें फाइनली वो पोजीशन निकालनी है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां है ये निकालने के लिए आपको किसके कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स के अंदर हमने सीखा था, उसने कहा था कि कोई भी क्वांटिटी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले उसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो हो जाएगा 4x³/4 माइनस 2x/2, 2 से 2 चला गया, 4 से 4 चला गया, x³ - x, फिर उसको 0 के इक्वल रख दो, फिर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 1 मिली और x की वैल्यू -1 मिली। फिर आप डबल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 3x² - 1। फिर हर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज आपको मिली थी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे x = 0 पर तो आ जाएगी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जैसे 0 रखेंगे -1, और x = 1 and x = -1, इन दोनों पर ही डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, पॉजिटिव, दैट इज 2। फिर मैंने बताया था जहां पे नंबर नेगेटिव निकल के आता है वहां पर मैक्सिमा पाया जाता है, नेगेटिव होने पर यहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां पर पॉजिटिव आता है वहां पर क्या पाया जाता है, मिनिमा पाया जाता है। मतलब यहाँ पे x = 1 और x = -1, इन दोनों जगह पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब हमें पता पड़ गया कि पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर होगी, x = 1 और -1 पर, और वो हो जाएगी 1/4 - 1/2, दैट इज -1/4। हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए 2, ये -1/4 रखेंगे उधर जाके +1/4 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 9/4। काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ, मास है 1 × वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी हो जाना चाहिए 3/√2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, सिस्टम शोन इन फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड थी, अचानक से छोड़ दिया, तो धीरे धीरे नीचे जाने स्टार्ट होगा। पुली एंड स्प्रिंग इज मासलेस, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, द स्पीड ऑफ द 5 kg ब्लॉक, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। व्हेन 2 kg ब्लॉक लीव्स द कॉन्टेक्ट, तो आपको उस क्षण पर, उस मोमेंट पर इसकी स्पीड बतानी है जब 2 kg का ब्लॉक इसको जस्ट छोड़ के ऊपर उठना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन को ढंग से विजुअलाइज करो, आप स्ट्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, इसको जैसे छोड़ोगे तो ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, बट इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है। जितनी स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है उतना स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है, वो की वो टेंशन यहां पर लग रही है, टेंशन फोर्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, एक मोमेंट के ऊपर टेंशन फोर्स हो जाएगा इसके वेट के इक्वल, दैट इज 20 N के ऊपर, वहां पर ये उठना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपका स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट हो रहा है kx, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 20 N के इक्वल हो जाना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जानी चाहिए 20, k आपको दे रखा है 40, यानी कि 1/2,
यानी कि जब आपका ब्लॉक 1/2 मीटर नीचे जा चुका होगा, स्प्रिंग 1/2 मीटर स्ट्रेच हो चुकी होगी, तब आपका ये ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट होगा और उस मोमेंट पर आपको इसकी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड निकालने के लिए हम देखेंगे कि यार फोर्सेस तो सारे के सारे कंजर्वेटिव है, यानी कि आपकी नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, राइट। और या फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो कि जो नेट वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन फोर्सेस पकड़ेंगे, तो इसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका वर्क हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी 1/2। ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वर्क कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। प्लस एक कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, स्प्रिंग, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और स्प्रिंग इसको वापस से ऊपर लेके जाना चाहती है, ठीक है। तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 के, हो जाएगा 40 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 1/4। यही तो दो फोर्सेस हैं यहां पर। तो ये जो नेट वर्क आपने निकाला है ये किसके इक्वल आना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आना चाहिए। तो शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और बाद में कितनी हो गई, हाफ एम, एम की जगह अपन डायरेक्ट क्या रख दें, 5 रख देते हैं, इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियली कितनी थी, 0। अब तो हमारे पास में सारी चीजें आ गई, हम आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 से 10 कट जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा 25, यहाँ पे 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 5 और यहाँ पे बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वी स्क्वायर। 25 में से 5 चले गए तो 20, 2 को ऊपर ले आएंगे तो 2, 5 को नीचे ले जाएंगे तो 5 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8 और 8 का अंडर रूट आप लिख सकते हो आसानी से 2√2, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमने निपटा लिया है। आई होप आपको वर्क एनर्जी पावर की एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग अब दिमाग के अंदर जनरेट हो गई होगी और इसको आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके टाइम टू टाइम यूज आते रहेंगे, जैसे बेसिक मैथ्स के और जैसे ग्राफिकल सेक्शन के कंसेप्ट आपके हर चैप्टर के अंदर यूज आ रहे हैं, वैसे ही अब फिजिक्स के रेस्पेक्ट में देखो तो फोर्स और एनर्जी जो है वो हर जगह यूज आती रहेगी। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ में रहेगी, आई होप आप इसी तरीके से लर्न करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।